हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर यार जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कैट के एग्जाम्स में अब होने लग गई है। तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बच्चे मुझसे लाइव क्लासेस के अंदर, लाइव डिस्कशंस के अंदर, क्लासरूम डिस्कशंस के अंदर बहुत सारे बच्चे पूछे सर स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स से सर क्या होगा, हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा या हमारा स्कोर खराब हो जाएगा, सर टीटा बेस्ड क्वेश्चंस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो में, जो प्रीडोमिनेंटली सिर्फ इसी के ऊपर रिवॉल्व करेगी कि स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स क्या होता है और स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स कैसे होता है और क्या इसकी जरूरत रहता है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। सो माई नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट स्टार्ट। फ्रेंड्स सबसे पहले ये समझते हैं कि स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स क्यों चाहिए होता है। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्केलिंग का मतलब होता है एक तरीके की इक्वालिटी लेके आना, ठीक है। अब जो भी बच्चा कैट के बारे में थोड़ा सा उसको नॉलेज है या जो इस साल कैट का पेपर दे रहा है उसको पता है कि यार कैट दो स्लॉट्स में होता है, एक मॉर्निंग स्लॉट के अंदर होता है और एक आफ्टरनून स्लॉट में होता है। अब फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि यार ये भी पॉसिबल है कि सिंस अगर एक कॉमन एग्जाम नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि एक एग्जाम हो सकता है डिफिकल्ट हो जाए और एक एग्जाम हो सकता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेसर डिफिकल्ट हो जाए। यानी कि ये मैं ये नहीं कह रहा कि इजी हो जाएगा, मतलब वो कोई भी स्लॉट हो सकता है, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे आफ्टरनून का हो सकता है मॉर्निंग का थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो, आफ्टरनून का डिफिकल्ट हो जाए, या आफ्टरनून का मॉडरेट हो और मॉर्निंग का डिफिकल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर दोनों ही सिचुएशन होती है तो दोनों ही एक तरीके की इनजस्टिस है बच्चों से, क्योंकि जो मॉर्निंग में आए उनका नुकसान हो गया अगर आफ्टरनून का इजी आया, और आफ्टरनून में आए उनका नुकसान हो गया क्योंकि मॉर्निंग का पेपर इजी आया। तो इसी इनजस्टिस को कम करने के लिए सिंस उन कैट वालों का आईएम्स की अथॉरिटी का यह मानना है कि यार हो सकता है बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है चीज के भी, अगर हम एक बच्चे को ये दोनों पेपर दे सॉल्व करने के लिए मॉर्निंग और आफ्टरनून, तो इसके पूरे पूरे चांसेस है उसके सेम मार्क्स नहीं आएंगे, उसके मार्क्स के अंदर डिफरेंस रहेगा चाहे वो अगर वो दोनों के दोनों स्लॉट्स के लिए पेपर को देता है। तो इसी के लिए इस सारी इनइक्वालिटी को थोड़ा सा ब्रिज करा जा सके, इसलिए स्कोर्स की क्या होती है एक्चुअली स्केलिंग होती है, ठीक है। तो स्केलिंग ऑफ दी स्कोर्स कैसे होता है मैं यार आपको यहां पे बता रहा हूं कि यार व्हाट इज दी स्केलिंग ऑफ दी स्कोर या कैसे इसको करा जाता है। तो फ्रेंड्स स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स के अंदर बेसिकली दो चीजें देखी जाती है, सबसे पहले तीन चीजें, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। अब ये सेक्शन वाइज होती है, फॉर एग्जांपल वीए की अलग होगी, एलआर की अलग होगी, एलआरडीआई जिसे कहते हैं, और क्वांट की अलग होगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि टोटल मार्क्स तो 300 ही है, ठीक है। सो अब मैक्सिमम मार्क्स देखे जाते हैं, उसके बाद मीन मार्क्स, ठीक है, जो एक बच्चे ने जो बच्चों के मीन मार्क्स आए हैं यानी कि एवरेज मार्क्स आए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखी जाती है, वो देखी जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर फ्रेंड्स आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो आपने शायद स्टैंडर्ड डेविएशन का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी मार्क्स की देखी जाती है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ठीक है, एवरेज मार्क्स कितने हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, ठीक है। इसको सबको कैलकुलेट करके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यार एवरेज मार्क्स अगर एक स्लॉट एक्स है और एक स्लॉट वाई है, ठीक है, एवरेज स्लॉट इसमें है एवरेज मार्क्स 50 और इसमें है, एक एग्जांपल ही ले रहा हूं, एक एग्जांपल है फॉर एग्जांपल इसमें 40, तो और स्टैंडर्ड डेविएशन जब इन्होंने कैलकुलेट किया, फॉर एग्जांपल मान लो इसका आया 3 और इसका आया 2.75, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स, इन सब चीजों को लेके इन सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके, ऑल दो इसके ऊपर कैट ने कभी खुद कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी, बट दिस इज लाइक द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसकी वजह से स्केलिंग करी जाती है। इसके बाद एक फाइनल स्केलिंग करने के बाद एक स्कोर आता है जिसके बेसिस पे बच्चों के मार्क्स थोड़े से एडजस्ट करे जा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अब इससे ये बात भी ट्रू है कि अगर स्केलिंग हुई है तो आपका स्कोर बढ़ भी सकता है, ठीक है, अगर आपका पेपर डिफिकल्ट था, और अगर आपका पेपर इजी था तो आपका स्कोर डिक्रीज भी हो सकता है, दोनों ही चांसेस है। यानी कि आप कभी भी इस बात को टेंशन लेके मत रखना कि आपका स्कोर डिक्रीज ही हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका इंक्रीज हो जाए, तो इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप मत लेना। सो माय ओनली पीस ऑफ एडवाइस टू यू इज डू नॉट वरी अबाउट द स्केलिंग ऑफ द मार्क्स। स्केलिंग ऑफ द मार्क्स को आप बिल्कुल आईएम की अथॉरिटीज के ऊपर, कैट की अथॉरिटीज के ऊपर छोड़ दो। आपको जो इस टाइम पे सिर्फ फोकस करना है वो फोकस करना है मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर, किया मैं कैसे किसी भी तरह 3 डिजिट स्कोर लेके आना है मुझे, ठीक है, 3 डिजिट में भी बहुत अच्छा स्कोर लेके आना है मुझे, 2 डिजिट में सेटिस्फाई नहीं रहना, मैं कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करूं कि अगर स्केलिंग हो भी तब भी मेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल आ जाए कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से अच्छे कॉलेजेस के अंदर कॉल
आने की और कॉल रिसीव करने की और उनको कन्वर्ट करने के लिए. सो इसीलिए जो आपका सोल सोल आपका इस टाइम पे एम होना चाहिए, वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना होना चाहिए. एंड यू हैव टू टारगेट दिस मैजिकल 3-डिजिट नंबर जो आपको 95% से ऊपर लेके जा सकता है. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैं बता दूं कि यार हमारा एक क्वांट का पेन ड्राइव कोर्स है जिसमें सारी की सारी वीडियो सौरभ सर ने रिकॉर्ड करी है. ठीक है, इसकी जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 6,000 रुपीज. आपको कुछ नहीं करना, पेन ड्राइव आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी. सिर्फ ये प्लग एंड प्ले करना है और आप सारे लेक्चर्स देख सकते हो. इसके अलावा फ्रेंड्स वर्बल का कंटेंट है जिसको सारा का सारा मैंने बनाया है, ये भी सिमिलर फीचर है. इसको भी आप 5,000 रुपीज में ऑर्डर कर सकते हो और सिर्फ प्लग एंड प्ले करके देख सकते हो. और अगर आप क्वांट और वर्बल दोनों की वीडियोस देखना चाहते हो तो उसकी फीस 10,000 रुपीज है. इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप टेस्ट सीमैट और आईएफटी और इसके अलावा बाकी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिनमें जीके आते हैं तो उसका भी हमारे पास पेन ड्राइव कोर्स है जिसकी फीस है सिर्फ 4,000 रुपीज. आप चाहो तो इसको भी ऑर्डर कर सकते हो और ये 7-8 डेज के अंदर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा. ठीक है, सो फ्रेंड्स ये सब कुछ था स्केलिंग ऑफ दिस कोर्स के बारे में. अच्छा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि यार अब हम इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ गए. ये हमारा हैंडल है studybuzz_education. आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हो, इस पे रोज जीके की और वोकैब की अपडेट्स आती रहती हैं. इससे आपकी जीके भी प्रिपेयर हो सकती है डेली बेसिस पे, करंट अफेयर्स, और आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी. इसके अलावा अगर आप किसी व्हाट्सएप बैच के अंदर अगर आप पेन ड्राइव कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो या आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल में कोई क्वेरी चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो. तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स. एंड आई होप यू डू ऑल द बेस्ट एंड यू डू वेरी वेल इन योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स. माई बेस्ट विशेस आर विद यू. गॉड ब्लेस.